हेलो फ्रेंड्स आपका हमारे चैनल मल्टीके वेल पर बहुत बहुत स्वागत है आज का वीडियो आपके लिए काफी इन्फॉर्मेटिव होगा क्योंकि हम बात करेंगे मयंग फूड आईपीओ के बारे में जानेंगे हर बार एक डिटेल इस आईपीओ से रिलेटेड तो वीडियो से अंत तक जुड़े रहिएगा क्योंकि हमने इस आईपीओ में किया है इसका कम्पलीट रिव्यू तो हम जानने वाले हैं इसके फाइनेंशियल्स के बारे में कंपनी की बिजनेस एक्टिविटी के बारे में और इसके सब्सक्रिप्शन स्टेटस और फाइनली बहुत इंपॉर्टेंट चीज ग्रे मार्केट प्रीमियम के बारे में तो वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक जरूर देखिएगा और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेगुलर फाइनेंशियल अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें और अपने नियर एंड डियर वन से शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको रेगुलरली मिलती रहे एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये वीडियो किसी भी तरह की बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं है ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पज से वीडियो है ताकि आपको आपके पर्सनल फाइनेंस में हेल्प मिले और अगर आप स्टॉक मार्केट में निवेश करना चाहते हैं तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को किसी इंडस्ट्री एक्सपर्ट को जरूर कंसल्ट करें या फिर प्रॉपर रिसर्च कर कर ही स्टॉक मार्केट में निवेश करें क्योंकि स्टॉक मार्केट हाईली रिस्की कंसिडर की जाती है तो आइए जानते तो मयंक कैसे फूड आईपीओ फिक्स हो चुका है और इसका इश्यू प्राइस होने वाला है 19.44 करोड़ रुपए का इसका सब्सक्रिप्शन 29 को ओपन हो चुका है और ये क्लोज हो जाएगा जनवरी 31, 2024 को और शाम को पांच बजे तक ही आप इसका यूपीआई मैंडेट एक्सेप्ट कर पाएंगे आईपीओ का प्राइस पैंड फिक्स हुआ है वन पर शेयर FinSure Management Services Limited इसके लीड मैनेजर रहेंगे और Camio Corporate Services Limited इस इश्यू के रजिस्ट्रार रहने वाले है। इसकी हैं इसकी फेस वैल्यू रहेगी रुपी पर इक्विटी शेयर share, 1200 शेयर्स का एक लॉट साइज होगा और टोटल जो इशू होने वाला है वो होगा 18 लाख शेयर्स का और एंटायरली ये फ्रेश इशू है ये एक SME IPO है तो इसकी लिस्टिंग BSE SME पर होगी अलॉटमेंट डेट फिक्स हुई है थर्सडे फरवरी 1st रिफंड्स इनिशिएट हो जाएंगे जिन्हें भी आईपीओ लॉट नहीं होगा बाय फेबरी सेकंड इट और डीमैट्स में क्रेडिट हो जाएंगे ऑन फ्राइडे लिस्टिंग डेट रहेगी मंडे फेबर फिफ्थ रिटेल निवेशक एक लॉट परचेस कर पाएंगे मिनिमम जिसमें होंगे 1200 सौ शेयर और मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट रहेगी वन की और स्मॉल एच निवेशक आई निवेशकेंटी फोर की लॉट साइज को परचेस कर पाएंगे और मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट रहेगी टू शेयर होल्डिंग पैटर्न नाइन जीरो परसेंट का है और पोस्ट इशू सिक्सटी फाइव परसेंट का रह जाएगा तो इट्स अ प्लस पॉइंट मेजर स्टेक होल्डर्स आफ्टर दिस इशू प्रमोटर्स ही रहेंगे ये कंपनी स्टार्ट हुई थी अगर एक ब्रीफ जाने इस कंपनी के बारे में तो ये कंपनी स्टार्ट हुई थी नाइनटीन में तो काफी पुरानी कंपनी है और बेसिकली ये कंपनी एक ऑयल कंपनी है जो कि बेसिकली मैन्युफैक्चर करती है कैचल फूड एनिमल फूड कैचल फूड केक एंड एडिबल ऑयल तो ये इसके मेजर प्रोडक्ट्स हैं और मेजरली ये राजकोट गुजरात एरिया में ऑपरेट करते हैं और अप्रॉक्सीमेट ये जो एरिया कवर करते हैं वो है एटी सेवन थाउजेंड वन हंड्रेड थर्टी थ्री स्क्वायर फीट अगर ओवरऑल फाइनेंशियल की बात करें तो कंपनी के रेवेन्यूज फोर डिक्रीज है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बट इंक्रीज है सिक्सटी एसेट्स काफी अच्छे मेंटेन हैं रेगुलरली इंक्रीजिंग एसेट्स हैं काफी अच्छे रेवेन्यू बनाए कंपनी ने 2021 के मुकाबले 2022 में बट 2023 में थोड़े कम रेवेन्यूज कंपनी बना पाई प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इंक्रीजिंग है काफी अच्छे प्रॉफिट्स हैं नेटवर्थ काफी अच्छा है कंपनी का रिजर्व एंड सर्पलसेज भी हैं बट कंपनी पर काफी बोरोइंग्स भी हैं तो ये एक कंसर्न रहेगा बोरोइंग्स कंपनी पर बहुत ज्यादा हैं डेट टू इक्विटी रेशियो जनरली जीरो से पॉइंट्स uh, में ही वन से ज्यादा uh, रिस्की ही कंसिडर किया जाता है तो यहाँ पर नाइन पॉइंट वन थ्री है ये काफ़ी बड़ा नंबर है रिटर्न ऑन इक्विटी काफी अच्छा नंबर है थर्टी टू परसेंट का रिटर्न ऑन कैपिटलो गुड इलेवन पॉइंट टू सेवन परसेंट ये दोनों रिश्वज यही दर्शाते हैं कि कंपनी कितनी इफेक्टिवली अपनी इक्विटी यूज कर पा रही है रिटर्न ऑन इक्विटी में और रिटर्न ऑन कैपिटल कैपिटलॉयड बताता है प्रॉफिट जनरेट करने के लिए रेवेन्यूज जनरेट करने के लिए जो कैपिटल एम्प्लॉयड है वो किस परसेंटेज फॉर्म में यूज हो पा रही है रिटर्न ऑन नेटवर्क भी काफी अच्छा है ओनली मेजर कंसर्न इज द डेट इक्विटी रेशियो अगर इसके सब्सक्रिप्शन स्टेटस की बात की जाए तो ये आईपीओ 2.75 टाइम्स ऑलरेडी सब्सक्राइब हो चुका है तो ये फुली सब्सक्राइब्ड आईपीओ है 4.16 टाइम्स रिटेल कैटेगरी में सब्सक्राइब हुआ है 1.34 टाइम्स ये एन कैटेगरी में सब्सक्राइब हुआ है ग्रे मार्केट प्रीमियम इसका टेन के आसपास चल रहा है तो एस्टिमेटेड लिस्टिंग प्राइस वन रहेगा इसका और नाइन का अप्रोक्स आप लिस्टिंग गेन बना सकते हैं तो ट्वेंटी सेवन से इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम टेन रुपी चल रहा है और बेसिकली अगर देखा जाए तो कंपनी के डेथ्स थोड़ी ज़्यादा हैं और ऐसे में आई पी ओ में इन्वेस्टमेंट्स कंपेरेटिवली मेन स्ट्रीम आई पी ओ से ज़्यादा रिस्की कंसिडर की जाती है तो हमें हमेशा कंपनी का प्रोफाइल कंपनी के फाइनेंशियल्स ग्रे मार्केट प्रीमियम इन सब को मद्देनजर रखते हुए ही और अपने पर्सनल फाइनेंसेस को अपने रिस्क प्रोफाइल को ध्यान में रखते हुए ही ऐसे में आईपीओ में निवेश करना चाहिए तो इस आईपीओ के बारे में आपकी क्या राय है आज का वीडियो आपको कितना हेल्पफुल लगा मुझे कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल ना भूलिए तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें फॉर मोर अपडेट्स प्लीज प्रेस दी बेल आइकन सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद मल्टी वेल